हेलो दोस्तों, वेलकम टू टैक एंड लर्न विद मुकुल। आज मैं आपके सामने दोबारा एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम एक DIY स्पॉटलाइट बनाएंगे। अब सबसे पहले मैं इसका यूज़ बताता हूँ। स्पॉटलाइट का यूज़ क्या होता है? जैसे कि हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या अपने लिए कोई सेटअप कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग का, या नाइट में हम शूट करते हैं तो हमें स्पॉटलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पॉटलाइट से क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी नाइट हो रही है, मेरी जो मेन लाइट है रूम की वो बंद है और मैं सिर्फ स्पॉटलाइट से अपने पे फोकस कर रहा हूँ। पीछे जो देख रहे हैं आप बैकग्राउंड डार्क है, तो ऐसा इसलिए हमें करना होता है ताकि हम एक अच्छी सी वीडियो प्रेजेंट कर पाए और अच्छा सा शूट कर पाए। तो अब देखते हैं मार्केट में कि बहुत सारी स्पॉटलाइट्स हैं जिनका रेट बहुत हाई है, यानी कि आप अगर लो एंड में देखना चाहें तो ये 500 की भी आ जाती है, हाई एंड में देखना चाहें तो 10,000 प्लस की भी आ जाती है। तो दोस्तों आज मैं वही स्पॉटलाइट हम अपने घर में कैसे बनाएं वही आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। इस स्पॉटलाइट को आप एज़ ए वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप नाइट लैंप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अपने ही साइज का आप जैसा बनाना चाहें वैसा इसका शेप दे सकते हैं। तो अभी इसको बनाने की प्रोसेस से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों प्रोसेस आपने देख ली होगी कि कैसे मैंने ये स्पॉटलाइट बनाई, और अब मैं बताने वाला हूँ इसकी कॉस्ट मुझे बनाने में कितनी पड़ी है। तो अगर मैं बताऊँ अपनी तरफ से तो इसकी कॉस्ट मुझे 60 to 70 रुपीस पड़ी है, क्योंकि बल्ब मेरे पास ऑलरेडी घर पे था और बाकी थोड़ा सा फेविकॉल चाहिए और एक गिफ्ट पेपर, तो वो 10 to 15 रुपीज़ उसकी कॉस्ट पड़ी होगी। और बाकी मैं वायर लाया था और दो फीमेल और एक मेल प्लग लाया था इसको वायर से जोड़ने के लिए।
तो अगर आप बल्ब भी लेते हो तो अराउंड इसकी कॉस्ट 100 to 120 पड़ जाएगी। और इसमें एक ट्रेस पेपर मैंने लिया है, आप चाहे तो वो ऑप्शनल है, चाहे तो आप उसको ट्रेस पेपर को लगाओ या नहीं भी लगाओ। तो मैंने क्या करा है, ट्रेस पेपर अभी इसके आगे से चिपकाया नहीं है, क्योंकि अगर मुझे ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है तो मैं वो ट्रेस पेपर हटा देता हूँ, अगर कम लाइट की ज़रूरत है तो ट्रेस पेपर आगे से लगा देता हूँ। ऐसे ही मैंने कोई टेपिंग नहीं करी है उसमें। अभी आपको दिखा भी दूँगा कि कैसे मैंने ट्रेस पेपर लगा रखा है इसके आगे, कि जो है ब्राइटनेस को एक कंट्रोल दे सके, यानी कि जो ब्राइटनेस आ रही है उसको सॉफ्ट कर सके और एक अच्छा फोकस बने। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।